bismillah today is the second lecture on self estimate and relationship with others in the context of the positive thinking course now if you remember this verse of the holy quran then it enriches our soul salati wa 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 meri namaz tamam ubudiyat marna sab kuch अल्ला रबुलमीन के लिए अगर हम ये किसी तरह एटीट्यूड अपना लें कि फ्रॉम सेल्फ सेंटर्डनेस वी मूव टू गॉड सेंटर्डनेस देन थिंग्स बिकम वेरी ईजी फॉर अस इट इज़ नॉट दैट डिफ़िकल्ट इफ वन ऑब्जर्व एट वेरी रिलीजसली यानी आप अपने नफ्स को अपना सेंटर ना बनाएं महवर ना बनाएं अपने अटेंशन का अपनी तवज्जो का बल्कि अल्लाह को बनाएं तो ज़िंदगी में बहुत सारी आसानियाँ पैदा हो सकती हैं अब हमने पहले भी डिस्कस किया था कि देर आर थ्री लेवल्स ऑफ मॉरल एंड इंटेलेक्चुअल ग्रोथ जिस इंसान जहन जो है वो अन ट्रेंड और इमेच्योर होता है तो दैट तो इज़ दी लेवल ऑफ नफ्स हमारा जिसका रेफरेंस सूर्य यूसुफ़ में दिया गया है जब वो ट्रेंड हो जाता है मगर नॉट फुली मेच्योर तो ये लेवल जो है ये नफ्स लवामा का बन जाता है जो कि सुरह अल केामा में दी गई आयत है इसके मतलब और जब वो उस लेवल पे पहुंच जाता है जहाँ वो वाकई एक दाना और मेचोर और वाइज और बैलेंस्ड और कंपोज्ड शख्स बन जाता है तो ये वो लेवल है जो नफ्स मतमीना का है जो सूरह अल फजर में दिया गया है जिसका रेफरेंस तो अगर हम इसको इस तरह देखें कि एक स्कूल का लेवल है एक कॉलेज का लेवल है और एक यूनिवर्सिटी का लेवल है तो हमें नज़र आएगा कि नफ़्समारा जो है हमारा वो स्कूल लेवल है कॉलेज लेवल में हम जरा बेहतर इंसान बन गए तो ये नफ्स लवामा की स्टेज पे आ गए और अगला लेवल जो है जो अल अलफजर में जिसकी निशानदेही गई की गई है वो नफ्स मतम का है और उसमें इंसान जो है पुख्ता हो जाता है बैलेंस्ड हो जाता है मेचोर हो जाता है तो अगर इंसान इंटेलेक्चुअली और मॉरली ग्रो करें तो स्पिरिचुअल ग्रोथ ऑटोमेटिक है दिस पॉइंट शुड बी रजिस्टर्ड अच्छा अब अपना पर्सनल एस्टिमेट जैसे आदमी करते है अपना सेल्फ एनालिसिस करते हैं तो इन चीज़ों को ज़रा देखना पड़ेगा कि क्या ये चीज़ें उसमें मौजूद हैं क्या वो इंट्रोवर्ट है या एक्सट्रोवर्ट है इंट्रोवर्ट का मतलब अपने अंदर ही रहता है बाहर लोगों से घुलता मिलता नहीं इतना यह एक्स्ट्रोवर्ट है सोशल है कॉन्फिडेंट है या शेकी है डिटर्मेंड है या वीक वल्ड है जॉयफुल है या मेलन कॉलिक है ज़्यादातर वो उदास रहता है या खुश रहता है प्रॉब्लम सॉल्वर है या नर्वस हो जाता है जब कोई प्रॉब्लम आती है या नई सिचुएशन आती है क्या वो प्लेजेंटली ऑक्यूपाइड और इंगेज इन वर्क है या उसको काम इतना मतलब में दिलचस्पी नहीं रखता तो ये आपने अपना एक शॉक एनालिसिस करना है या शॉट एनालिसिस करना है जिसमें आपने देखना है स्ट्रेंथ्स अपॉर्चुनिटीज़ वीकनेसेस एंड चैलेंजेस तो आपने देखना है वेयर आर यू स्टक बिकॉज वी ऑब्जर्व के इन लाइफ एवरी वन इज स्टकअप इन समे ऑफ दी अदर कहीं ना किसी न किसी गड़े में कोई ना कोई गिरा हुआ है और वो निकलने की को कोशिश कर रहे हैं तो यू हैव टू फाइंड आउट वेयर आर यू स्टक फिर आपका लेवल ऑफ फेथ किया है। क्या छोटी सी आजमाइश में आप हथियार डाल देते हैं या आप अपना फेथ लूज़ कर लेते हैं फेथ इन लाइफ फेथ इन गॉड दीज आर ऑल थिंग्स फेथ इन ह्यूमैनिटी फेथ इन मोरलिटी डू यू लूज दीज और यू स्टिक टू दो प्रिंसिपल्स विच स्ट्रेंथन योर फेस फिर आपने देखना है कि आप पैसि हैं पैसि से मतलब शाही हैं टिमिड हैं नॉट कॉन्फिडेंट हैं डोमिनेटिंग हैं या बैलेंस्ड है तो पहले तो अपना बैठ कर सेल्फ एनालिसिस करें ना एक कागज़ पर लिख लें ये सारे पॉइंट्स और अपने आप को दस में से नंबर देने शुरू करें लेवल ऑफ फेस में मिसाल के तौर पर दस में से पाँच लिए पैसिव डोमिनेटिंग और बैलेंस अगर बैलेंसेज ठीक हैं तो सात या आठ नंबर ले लें दस नंबर ऐसे फिर एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ क्या है आपका क्या आप खुश हैं ज़िंदगी से या आपको लगता है ये कोई बोझ पड़ गया आपके ऊपर ज़िंदगी एक बोझ बन गई है तो ये एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ भी देखना है तो इन सब में अपने अपने नंबर निगाने शुरू कर दें एट द एंड ऑफ द डे देखें टोटल मार्क्स कितने और फिर उसमें से कितना आपने स्कोर हासिल किए अगर स्कोर 50 परसेंट से कम है तो फिर ज़रा थोड़ी सी मेहनत और करें अपने ऊपर ताकि आपका अगली दफ़ा महीने के बाद फिर स्कोर अपना देखें शायद कुछ इम्प्रूवमेंट आई हो तो फिर देखना आपने है आपने ऑप्टिमिस्टिक हैं या पैसेमिस्टिक हैं यानी आप पुर उम्मीद नज़र आते हैं या बिल्कुल ये उम्मीद छोड़ बैठे हुए हैं खुश रहते हैं या नाखुश रहते हैं सेल्फ स्टीम आपकी हाई है लो है या मॉडरेट है अपने मतलब आपका क्या है आप समझते हैं मैं मैं इंटेलिजेंट शख्स हूँ आप समझते हैं मैं तो बस फजूल सा शख्स हूँ या आप समझते हैं कि जी आप में ख़ूबियाँ भी हैं कोई थोड़ी सी कामियाँ भी हैं तो अपने आप को नंबर देने शुरू कर दें और फिर देखें एट दी एंड ऑफ द डे फिर कोई तीस चालीस दिन के बाद देखें क्या कोई आप में चेंज आया अगर आपने अपने ऊपर वर्क करना शुरू किया फिर आप देखें आप ऑर्गेनाइज हैं या इनआर्गेनाइज हैं क्या आप अपने कपड़े नहाने के बाद कहीं टांग देते हैं या उधर ही छोड़ देते हैं फ़र्श पे तो आपने देखना है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन लेवल क्या है और बाकी सारी चीज़ों में भी क्या आप वेल ऑर्गेनाइज्ड हैं या नहीं ऑर्गेनाइज्ड नमाज़ पढ़ के जाए नमाज को फोल्ड करके वापस रखते हैं या उधर की उधर ही पड़ी रहने देती हैं तो ये सारी चीज़ें आपने देखनी है कि आप वेल ऑर्गेनाइज हैं या इल इनऑर्गेनाइज हैं क्योंकि इन सब चीज़ों से आपका अपना पर्सनल इमेज जो है वो इम्प्रूव होगा या आप अपने आप को डिसअप्रूवल की निगाह से देखेंगे आप जल्दी इरिटेट हो जाते हैं रिएक्टिव होते हैं या क्रिएटिव हैं आप प्लेजेंट हैं या अनप्लेजेंट हैं आपसे के साथ लोग खुश रहते हैं या नहीं रहते हैं, या दोस्तों की कंपनी में आप खुश हैं बाकियों की कंपनी में आप खुश नहीं हैं ये सारा अपना सेल्फ एनालिसिस करें और अगर किसी मुश्किल में है तो सीख हेल्प बट नेवर गो टू एन आमिल हमारे एक माशरे में बड़ा ये नासूर है कि हम अल्लाह के ऊपर भरोसा नहीं करते हैं। आमिल लोगों के पास चले जाते हैं जो पैसे हमसे बटोरते हैं ख़ास तौर पर देहात में तो लोग जो हैं जो जाहिल किस्म के बल्कि पढ़े लिखे लोग भी कभी कोई अपना टेरट कार्ड निकलवाने निकल जाता है कभी कोई पाम रीडिंग कराने के लिए निकल जाता है कभी किसी आमिल के पास चले जाते हैं अल्लाह के पास जाएँ अपना सेल्फ एनालिसिस करें जो आपके एरियाज़ ऑफ इम्प्रूवमेंट हैं उनको इम्प्रूव करने की कोशिश करें अच्छा अब हमारे रिलेशनशिप इजादस है और बायोलॉजिकल रिलेशनशिप्स है बायोलॉजिकल रिलेप से मुराद ये कि माँ बाप तो अपनी औलाद के साथ मोहब्बत करेंगे और औलाद भी माँ बाप के साथ करेगी ये बायोलॉजिकल रिलेशनशिप है यहमूम नाइन्टी नाइन परसेंट ठीक ही होता है क्योंकि माँ बाप तो शफकत से पेश आते हैं कुछ होते हैं रिस्पॉन्सिबल पेरेंट्स हम उनकी नहीं बात करते फ़िलहाल और मैरिटल रिलेशनशिप ये बड़ा एक मसले वाला रिलेशनशिप है जब नई बच्ची घर में दाखिल होती है तो बहू को कबूल करते हुए सास को काफ़ी टाइम लग जाता है उसको ऐसा लगता है जैसे मेरा बेटा जो है वो मेरे हाथों से निकल गया तो है तो इसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं अगर आप ये समझें ना कि ये वो वाद रिलेशनशिप हैं दो रिलेशनशिप एक आपकी अपनी शादी का रिलेशनशिप और ये जो बहू आती है ये सिर्फ अल्लाह के नाम के ऊपर ये रिलेशनशिप्स पनपते हैं तो आप अगर इसको इस तरह देखें कि ये अल्लाह की तरफ से एक नेमत आई है मेरे घर में और आप उसको बतौर बेटी कबूल कर लें तो ये रिलेशनशिप में टेंशन काफ़ी ख़त्म हो जाती है और इसी तरह आप खामद का भी देखेंगे जी ये भी अल्लाह के नाम पर मेरे साथ इसका बंधन बंधा है तो उसमें भी कोई थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट आ सकती है फिर हमारे सोशल रिलेशनशिप्स हैं दोस्त हैं बाप हैं वो नॉर्मली रिलेशनशिप क्योंकि वो ठीक रहते हैं इस वजह से कि जनरली आप यू हैव अ चॉइस ऑफ मेकिंग फ्रेंड्स तो उसमें आपके पास ज़रा बेहतरी की चांसेस होते हैं आप उन्हीं लोगों के साथ रिलेशनशिप डेवलप करते हैं जो कि जिनके साथ आपकी वेवलेंथ मिलती है या जिनके साथ आपका टैंपरमेंट या केमिस्ट्री मिलती है फिर एक चीज़ जो रिलेशनशिप्स को स्पॉइल कर देती है वो बदगुमानी है बदगुमानी को अवॉइड करना चाहिए क्योंकि सारी जो रीजन है नेगेटिव थिंकिंग की वो बदगुमानी की वजह से होती है